हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामासर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB वैकेंसी 2023 को लेकर के, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, TGT, PGT और प्राइमरी टीचर के लिए 1841 से अधिक पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके संपूर्ण डिटेल्स को हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं इस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। DSSB रिक्ति 2023 जारी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB ने TGT, PGT और अन्य पदों के लिए 1841 रिक्तियों के लिए 4 अगस्त 2023 को DSSB अधिसूचना 2023 जारी कर दी गई है। कुल 1841 रिक्तियों में TGT के लिए 587, PGT के लिए 47 और गैर शिक्षण पदों के लिए 1025 से अधिक रिक्तियां शामिल की गई हैं। तो जो उम्मीदवार इंटरेस्टेड हैं, वे DSSB पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जान करके संपूर्ण डिटेल्स अपने पास सुरक्षित रखें। जल्दी फॉर्म स्टार्ट हो रहा है फिलअप करना, रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी चूके न। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट नेम की बात करें तो PGT 47 पद, TGT कंप्यूटर साइंस के लिए 6 पद, जबकि TGT स्पेशल के लिए 581 पद, वहीं म्यूजिक टीचर के लिए 181 पदों पर यह वैकेंसी जारी की गई है। जबकि नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो इस पर 1025 पदों पर यह वैकेंसी जारी की गई है। टोटल एक DSSSB पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका भी निराकरण किया जाएगा। चलिए और आगे इस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में देखते हैं और कुल 1841 पदों पर कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और कब तक फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, इन सब सारी जानकारियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए और अधिक बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं DSSB रिक्ति 2023। संगठन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB रिक्त पद 1841, पोस्ट नेम है TGT, PGT और गैर शैक्षणिक पद। DSSSB परीक्षा प्रकार की बात करें तो ये राज्य स्तरीय परीक्षा मानी जा रही है। इसको राज्य स्तर पर परीक्षा ली जाएगी, लेकिन इसमें आपको विभिन्न पदों पर मौका दिया गया है। वर्ग की बात करें तो ये सरकारी नौकरी है। ऑनलाइन पंजीकरण की जहां तक बात है तो 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया और लिखित साक्षात्कार की बात करें तो चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ली जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर के आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। DSSSB रिक्ति 2023 पात्रता मानदंड की बात करें तो विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी जाएगी। जैसे ही वैकेंसी का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है, संपूर्ण जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है या अभी हमने आपको वेबसाइट बताई है dssb.delhi.gov.in पर जाकर के आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी रिजल्ट की भी वेबसाइट से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। DSSSB भर्ती 2023 शैक्षिक योग्यता की बात करें तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी विशेष शिक्षा शिक्षक की बात करें तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मीन्स BPED या इसके समकक्ष की डिग्री स्नातक के साथ होना आवश्यक है। ध्यान रखेंगे, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मीन्स BPED जो BED के समकक्ष की डिग्री मानी जाती है, यह शारीरिक शिक्षा के लिए या विशेष शिक्षक के लिए इसकी डिग्री मान्य होती है। इसके अलावा दूसरा पद हमारा आता है PGT का, तो TGT की बात करें तो संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा BEd डिग्री और आवेदक के पास CTET यानी सेंट्रल TET केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप CTET पास नहीं हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं PGT के पदों की, तो PGT में क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर की डिग्री होना अनिवार्य है।
यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षण या शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड डिग्री वाले मान्य हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। संबंधित विषय में किसी कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ाने का 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। संबंधित विषय में, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको इतना अनुभव होना आवश्यक है। इसके अलावा पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की बात कर लें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या आवेदक के पास सीटीईटी परीक्षा यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ध्यान रखेंगे 12वीं होने के साथ साथ टेट पास होने चाहिए, अर्थात आप BTC या BEd यानी कि जिसको हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं, DELED के नाम से जानते हैं, ये भी होना मस्ट बताया गया है। तो इसकी जानकारी जैसे ही आप सब तक पहुंचानी थी, हमने संपूर्ण जानकारी आप सबको दे दिया है। फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या आने पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, हम आपको उसका निराकरण जरूर बताएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं तब तक आप सबसे विदा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य लोगों तक शेयर करिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।